जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रही है, हमारा फॉर्म 16 का जो है मैंने ऊपर और नीचे का थोड़ा क्रॉप कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ सैलरी है वो 10,20,584 रुपीज़ है। उसके बाद जो सेक्शन अंडर सेक्शन अलाउंसेज यहाँ पे 54,000 है। उसके बाद 50,000 US स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सबका होता है, ठीक है। और जो हमारा टैक्स कटा होता है वो सबसे नीचे लिखा होता है सेकेंड लास्ट कॉलम में, 68,287 रुपीज़ हमारा जो है टैक्स कटा हुआ है इसमें। तो आप लोगों को करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो 10,20,584 है यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ सैलरी फिल करनी है, ठीक है, एडिट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद ग्रोथ सैलरी यहाँ पे करनी है आप लोगों को 10,20,584 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का जो है ऑटोमेटिक ये यहाँ पे फिल हो जाएगा, इसको आप डिलीट कर सकते हैं जो आपका ये कॉलम आता है कंट्री चूज का, ठीक है। जैसे सेक्शन 14I में हमने ये भरा, अब बात आती है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कहाँ पे भरे सर। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे जो हमारे आर्मी पर्सन है उन सभी का डाउट रहता है। तो आप लोग ऐड अनदर में करना है, यहाँ पे आप लोगों को एनी अदर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लगना है रिस्पेक्टेड सर प्लीज लेस एंड एग्जेम्प्ट माई रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस विद 2 ईयर एरियर। क्योंकि भाई देखो, अगर हमारा टाइम टू टाइम एरियर हर महीने आता रहता पिछले 2 साल, तो हमारा टैक्स इतना नहीं कट पाता। हमारा अभी एक साथ आया है तो एरियर लिख के बाद एज पर अंडर सेक्शन 10, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फाइल करना। और यहाँ पे मेरा अलाउंस कुछ करीबन 2,84,000 के आसपास आया था, तो मैं यहाँ पे मेरा फाइल कर दूँगा, ठीक है, 2,84,000 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग दे देता, वैसे अगर आपका वार्निंग दे देता है तो आप लोग एक काम करिए, थोड़ा अलाउंसेज को कम कर लीजिए। देखो भाई, मेरा इतना आया है तो मैं तो इतना ही फिल करूँगा, लेकिन क्या है, अगर आप लोगों को ये वार्निंग नहीं चाहिए तो आप लोग इसको कम कर सकते हैं यहाँ से, और ये वार्निंग हट जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा इतना ही आया तो मैं इतना ही भरूँगा। यहाँ पे आप देख लेना, 553,697 आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ वहाँ से कम करने का। 553 है, ठीक है, 5,00,000 हमारी जो है टोटल जो है हमारी सैलरी वो होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो हम 5,00,000 सैलरी तक हम शो कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, जैसे 1,00,000 रुपये कम है इसमें, ठीक है, तो 2,84,000 मैंने वहाँ पे भरा है। यहाँ पे हम 1,50,000 तक ATC में ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन मेरा सेविंग हुआ 2,88,492 रुपये, तो मैं 1,50,000 वहाँ पे फाइल करूँगा ATC में, ठीक है। तो इधर से मैं 1,00,000 कम कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे भरा था 2,84,000, ठीक है, वहाँ से ये कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वार्निंग भी आपकी हो सकता हट जाए, एक बार देख लेते फाइल करके, डन। 28 है ना, यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, 2,00,000 ही कर देता हूँ, ठीक है। ओह 80 हो गया, वेट, ये ना यार इसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 0। अब देखना, एक 0 और डालनी है, पर क्या हो रहा, हाँ देखो, अब मैंने 2,453 रुपये डाल दिया, ठीक है, 6,40,000 हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा 287 आया था, लेकिन मैंने वहाँ पे इतना भरा क्योंकि मेरे को 1,50,000 ATC में भी मिल जाएगा जहाँ पे मैंने सेविंग की है, तो मेरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, रुक जाओ, एक चीज़ बता देता हूँ। जहाँ पे हमारा जो घर का वो बनना है ना हमें, एक सेकेंड दोबारा कंटिन्यू करके, ओके ओके ओके, यहाँ पे ऐड डिटेल करनी है। अगर आपने रेंट का घर है तो रेंट का भर देना, नहीं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख देना, ठीक है, और ऐड कर देना, इसको भी ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये मैं आप लोगों को भर के दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नीचे आ रखा कि भाई योर रिटर्न ऑलरेडी फील्ड। इसके बाद आप लोग कन्फर्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया ग्रोस टोटल इनकम का जो भी डिटेल भरना था वो मैंने भर दिया। उसके बाद टोटल डिडक्शन है, यहाँ पर टोटल जो डिडक्शन है
वो मैं 80C का लेऊंगा, ओनली 80C का, ठीक है। अगर आपने, मैं बताऊंगा उसमें आप कौन सा ले सकते हैं। 80C का ले सकते हैं, 80C का मैंने भर दिया 1.5 लाख रुपया, क्योंकि मेरा 2,88,000 समथिंग था, वो भी भरूंगा तो भी मेरे को 1.5 लाख तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 80GG और 80C दोनों एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, ये मत करना भी मत। उसके बाद आपने अगर डोनेशन वगैरह दिया तो वो कर देना, यहाँ पे डोनेशन वगैरह, आर यू एलिजिबल टू क्लेम टू डिडक्शन डोनेशन, पेड डोनेशन दिया तो वो आप डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसमें अगर आपने डाल रखा तो वो डालिए। यहाँ पे आप लोगों ने मेंटेनेंस अलाउंस डाल रखा, देखो 40,000 तक होता है जो आपका यहाँ पे, अगर आप 80D में डालोगे, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन का 75,000, अदरवाइज 40,000 तक आप लोग यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हायर एजुकेशन लोन लिया है, सेल्फ एंड रिलेटिव्स को दिलवाया, तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं यस करके। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करके 80C का आपका हो गया, और 80D को अगर आपने नहीं लेना है तो इसको ये 80D पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को नो ज़रूर करना, अदरवाइज लास्ट में जब आप भरोगे ना तो उधर ये आ जाता है एरर, फिर आप लोगों को दोबारा से क्लिक करके पूरी फाइल ये प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये हो गया अपना, आज मैंने आप लोगों को बता दिया अब हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम से लेके टोटल डिडक्शन तक, ठीक है। दो वीडियो में हमारी जो है हाफ जो ITR की वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद टैक्स पेड एंड टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करना और रिफंड का अमाउंट कैसे कहाँ फिल करना, वो सारा मैं आप लोगों को फॉर्म 16 के हिसाब से मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ITR फाइल कराना हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।